हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा भाई। चलिए आज देखते हैं, आज हम लोग को रिलेशंस करना है। हमने लास्ट टर्म पर रिलेशंस का कुछ इंट्रोडक्शन दिखा था, उसमें मैंने आपको रिलेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन बताया था कि थोड़ा सा आपका दिमाग बैठा रहे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं रिलेशन होता क्या। तो रिलेशन जानने से पहले थोड़ा सा हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा बॉलीवुड हॉलीवुड के मूवीज के बारे में थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ एक्टर्स का नाम दिया है यहाँ पर और कुछ मूवीज का नाम दिया। कुछ एक्टर्स के नाम है और कुछ मूवीज के नाम है। आइए कुछ एक्टर्स और कुछ मूवीज को देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला आपसे अमिताभ बच्चन, हाँ नाम तो सुना होगा, क्या नाम है इनका, बिग बी। फिर एक नाम दे दिया आपके पास मैंने, जॉनी डेप, जो हॉलीवुड की मूवीज के देखते हो। ए बी डिविलियर्स मत मान लीजिए भाई, बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कोई और ले लेते हैं, शाहरुख खान को नाम ले लेते हैं भाई। शाहरुख खान का नाम पूरा आटेगा नहीं तो इसका भी शॉर्टकट लिख लेते हैं हम लोग। शाहरुख खान का शॉर्ट में क्या लिखते हैं भाई, सभी लोग बहुत बड़े फैन होंगे आप लोग इन लोग के भाई, SRK। चलिए कुछ मूवीज के नाम मैं यहाँ देता हूँ, चलिए मूवीज के नाम देखते हैं। मान लीजिए हम लोग को मूवी का नाम मिल गया शोले, एक मूवी का नाम मिल गया पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, एक मूवी का नाम मिल गया हम लोग को DDLJ, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे। ये चार तीन मूवी का नाम दिया, तीन एक्टर का नाम दिया मैंने। मैंने कहा इसको आप ऐसा कंबाइन करिए कि किसका किससे रिलेशन है। मैंने आपसे बोला रिलेशन बताइए कि एक्टर का किस मूवी से रिलेशन है, तो आप बताएंगे फटाक से भाई अमिताभ बच्चन का रिलेशन आप शोले से करिए क्योंकि इसमें एक्टर थे, जॉनी डेप का आप पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से करिए क्योंकि इसमें एक्टर थे, SRK का आप DDLJ में करिए क्योंकि इसमें एक्टर थे। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बात समझने दिमाग में आपके। तो रिलेशन का मतलब यही कि किसका किससे रिलेशन है, किस टाइप से रिलेशन है, ये जब हम पता करेंगे कि मशीनरी क्या है तो वो मशीनरी मेरा फंक्शन हो जाता है। जैसे छोटा एग्जांपल लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया कॉटन, मैंने कहा इससे आप शर्ट बनाइए, तो ये रिलेशन है कॉटन से शर्ट बनेगा, एक रिलेशन है कॉटन से शर्ट बनेगा, क्या एक रिलेशन। लेकिन मैं कुछ एक मशीन यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, मशीन। ये मशीनरी जो है यही मेरा फंक्शन होता है, विच कन्वर्ट्स क्या एक्स इंटू वाई, फंक्शन क्या है विच कन्वर्ट्स एक्स इंटू वाई। बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो रिलेशन का मोटी मोटा आपके दिमाग में बैठ गया, रिलेशन का मतलब क्या कि भाई हमारा रिलेशन किसी से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस छोटा सा चीज करते हैं रिलेशन किसी को किसी से पता करने के लिए कि उसका उससे क्या कंडीशनली है। जैसे मूवीज के बारे में बात किया मैंने तो किस मूवी में कौन सा एक्टर था, इससे हम लोग पता कर लिए कि उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, मूवी और एक्टर के नेम में इतनी बातें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं, देखिए भाई अब जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उस एग्जाम्पल में थोड़ा देखिए, तो दो सर्किल जो मेरे पास बने हुए थे उन दो सर्किल के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो फिर से मैं वो सर्किल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस बार आपके पास आ गया बिग बी, जॉनी डेप, फिर आ गया आपके पास SRK, फिर आपके आ गया यहाँ पे शोले, फिर आपके पास आ गया पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, फिर आपके पास आ गया कौन से भाई DDLJ। आपने रिलेशन बता दिया हमको फटाक से, जो पहला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्स, दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग वाई, पहले वाले को एक्स दूसरे वाले को वाई। अगर हम कहें रिलेशन को आप ऐसे सेट फॉर्म में लिखे, किस फॉर्म में लिखे, सेट के फॉर्म में, तो आप फटाक से बोलेंगे भाई बिग बी का साथ आप कॉमा लगा के लिखिए क्या शोले, फिर जॉनी डेप के साथ आप लिखिए पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, फिर SRK के साथ आप लिखिए क्या DDLJ। तो देखिए ये जो आ गया पार्ट आपका, ये आपके क्या हो गए एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन हो गए, ये आपके एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन। चलिए इतनी बातें समझने आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन किसी ने पूछा, तो आप एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन कैसे लिखेंगे, पहले एक्स और दूसरा वाई, आप जानते हैं भाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट में पहला एक्स होता है दूसरा क्या होता है वाई, तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे फिर उसके बाद रेफरेंस में वाई, कि एक्स के रेफरेंस में वाई क्या है, एक्स क्या है एक्टर्स का नाम। अच्छा इसको कोई देखेगा तो आपसे पूछा इसमें क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे एक्टर एंड इट्स मूवी, इट्स रिलेशन इज नोन एज, रिलेशन का नाम किसी ने पूछा कि नेम द रिलेशन, क्या बोला आपसे नेम द रिलेशन, तो आप कहेंगे क्या एक्टर एंड इट्स मूवी।
एक्टर है, उसका क्या है मूवी है, तो ये आप बात को समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कहीं भी समझने में आपको, ठीक है। तो ये रिलेशन के बारे में हो गए, रिलेशन का नेमिंग करना भी हमको आना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। जैसे छोटा एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक टर्म यूज किया अ स्क्वायर्ड रिलेशन, मैंने टर्म यूज किया क्या अ स्क्वायर्ड रिलेशन, तो स्क्वायर्ड रिलेशन का मतलब क्या था समझा जाए। मैंने टर्म यूज किया क्या, बोला मैंने आपसे स्क्वायर्ड रिलेशन, स्क्वायर्ड रिलेशन का मतलब हो जाता है क्या कि स्क्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, नेमिंग आपको समझना है, स्क्वायर्ड मतलब x जो होगा वो y का स्क्वायर्ड होगा, x जो होगा y का क्या होगा स्क्वायर्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, इफ यू आर टेकिंग ओनली नेचुरल नंबर्स, तो 1 का अटैचमेंट किससे होगा 1 से, 2 का अटैचमेंट 4 से, 3 का अटैचमेंट 9 से, 4 का अटैचमेंट 16 से, तो ये हो गया आपका क्या स्क्वायर्ड रिलेशन। तो रिलेशन आपके दिमाग में बैठ गया होगा, मैथमेटिकली हम लोग को ऐसे देगा, और जनरल बोल बचाल की भाषा में किसी भी चीज का रिलेशन किसी चीज से कैसे है वही हम लोग जानते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा गरम मसाला बताइए, तो गरम मसाला आपका किसमें पड़ेगा भाई, गरम मसाला पड़ेगा किस टाइप की सब्जी, हर टाइप की सब्जी में पड़ता है। तो नॉनवेज अगर आपको पूछा गया कि भाई नॉनवेज में आपके पास फिश है और चिकन है और मटन है, तो अगर आपसे चिकन मटन पूछा तो आप कहेंगे भाई ये गरम मसाला बनता है, और फिश के बारे में बात की तो उसमें आप कहेंगे क्या बनता है ठंडा मसाला पड़ता है, तो मसाला की कैटेगरी भी बन गई हमारे पास, ठीक है। तो जैसे जिसका रिलेशन हो दैट इज नोन एज क्या रिलेशन, ठीक है। इसके बारे में आपको समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, फिर आगे आते हैं हम। अब देखिए, अब रिलेशन का जो हम लोग का मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है वो दिया गया है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट है ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, निकालना हमने पूरा पढ़ा था, इसके बारे में पूरा डिटेल में जाना था, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम लोग क्या निकालें, अगर सबसेट निकालते हैं तो वही क्या बनता है मेरा रिलेशन बनता है, वो क्या बनाता है मेरा रिलेशन बनाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है क्या बनाता है मेरे पास रिलेशन बनाता है, ये बात समझ में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो रिलेशन के बारे में तो हमने जान लिया कि रिलेशन ये होता है, चलिए एक एग्जांपल लिया जाए। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा भाई कि ए और बी दोनों मेरे कौन से सेट होने चाहिए, फाइनाइट सेट लीजिएगा आप, इनफाइनाइट लेंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन निकाल पाना हमारे लिए टफ टास्क हो जाएगा, ठीक है। ए और बी हम लोग क्या लेते हैं, फाइनाइट सेट एंड नॉन एम्पटी, दोनों इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट एंड नॉन एम्पटी सेट, ठीक है। चलिए एक सेट ए मैंने लिया 1 2 3, एक सेट बी लिया 4 5, मैंने कहा ए क्रॉस बी बताइए आप फटाक से हमको ए क्रॉस बी बता देंगे, कैसे बताते मैंने पहला एलिमेंट तो दूसरे के साथ दोनों के साथ, फिर ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर इससे मैंने रिलेशन फॉर्म करने को कहा, रिलेशन फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए रिलेशन, तो रिलेशन में आप अगर चाहिए तो सिर्फ 1,4 लिख दीजिए, करेक्ट है, 2,4, 3,5 लिख दीजिए, करेक्ट है, 2,5, 3,4, 1,5 लिख दीजिए, करेक्ट है। तो सबसेट का मतलब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि सारे के सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं रिलेशन में, सिर्फ एक आ सकता है, सिर्फ दो आ सकता है, सिर्फ तीन आ सकता है। सबसेट आपको पूरा डिटेल में बताया जा चुका है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपके पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिलेशन की मैं सबसेट के बारे में आप समझ गए होंगे, हमने ए क्रॉस बी जो निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी लिख सकते हैं, दैट इज क्या रिलेशन। इतनी बातें समझने में कोई भी परेशानी आपको दिमाग में नहीं होनी चाहिए, कुछ भी दिमाग में परेशानी आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए हमसे आप, ठीक है। अब देखिए, रिलेशन के बारे में अगर डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, रिलेशन कैसे निकलता है और रिलेशन क्या होता है, तो अब इसके बाद आप पूछेंगे भाई रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन बताइए, तो आप लास्ट टाइम पर भी मैंने बताया था रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, फिर से मैं उसको रिकॉल करा देता हूं आपको। रिप्रेजेंटेशन लास्ट वीडियो में भी आपको बताया गया, फिर से आपको रिकॉल करा दूं, रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या था मेरे पास, पहला सेट बिल्डर फॉर्म,
दूसरा रोस्टर फॉर्म, तीसरा एरो डायग्राम और चौथा लैटिस मेथड। ये चार टाइप से किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट बिल्डर, रोस्टर, एरो एंड लैटिस मेथड। इसमें से कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसको आपको मैंने डिटेल में पिछले प्रीवियस वीडियोस में नहीं बताया। सारी की सारी बातें आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताई जा चुकी है, सारी की सारी उस प्रीवियस वीडियो से आप लेके रेफरेंस लेके देख सकते हैं। नहीं आता समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछिए तो आपको फिर से वो बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा इस पे सब पे छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। जैसे मैंने अभी रिलेशन बनाया था, एक ए लिया था 1 2 3 और एक मैंने बी लिया था, क्या लिया था भाई 4 5। फिर मैंने सेट निकाला था, क्या निकला था मेरा रिलेशन, मान लीजिए रिलेशन मैंने बनाया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 3 × 2 6 नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट में निकालने का तरीका को बताया गया था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नहीं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इस बेसिस पे हमने इसको निकाल लिया। चलिए अब अगर इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गई हो कि कैसे कैसे क्या क्या व्यूज आए हैं तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, किस फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। देखिए ये लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई, एक्स एलिमेंट ए का है, वाई एलिमेंट हमेशा बी का है, सिंपल सा लॉजिक था भाई। चलिए दूसरे पर आते हैं, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में सेम यही चीज उठा के यहां चिपका दीजिए, ये रोस्टर फॉर्म हो गया भाई आपका। तीसरा आते हैं एरो डायग्राम पे, एरो डायग्राम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताया जा चुका है पहले ही प्रीवियस वीडियो में कि एरो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एरो डायग्राम देखिए, पहले सेट में पहला एलिमेंट 1 2 3, दूसरे में 4 और 5। 1 का अटैचमेंट किससे है, 4 से है, 1 का अटैचमेंट 5 से भी है, 2 का अटैचमेंट भी 4 से है, 2 का भी 5 से है, 3 का भी 4 से है और 3 का भी 5 से है। ये देखिए आपका बन गया क्या, एरो डायग्राम। लैटिस मेथड आपको बताया गया था, क्या करेंगे सारे एलिमेंट को अलग अलग इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, पहला एलिमेंट आपका 1 4, 1 पे 4, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा 1 पे 5, 1 पे 5, दूसरा एलिमेंट हो गया। 2 पे 4, 2 पे 5, 3 पे 4, 3 पे 5, 4 पे 4, 4 पे 5, ठीक है। इतनी चीज, सॉरी 4 पे नहीं था भाई, ध्यान दीजिएगा भाई, गलती हो गई। चलिए इतना एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट थे, 6 के 6 बन गए, तो ये हो गया आपका क्या, लैटिस मेथड। तो ये आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैंने दे दिया है ताकि दिमाग में कोई भी परेशानी हो तो आप जरूर अपने दिमाग से वो परेशानी को हटा दीजिए, ठीक है। अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो अब आते हैं अगले चीज पर कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या क्या होती है। भाई किसी ने कोई 2 सेट दिया और मेरे से कहा कि रिलेशन बताइए, नंबर ऑफ रिलेशन बताइए कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का तरीका देखिए भाई। तो देखिए सबसे पहला चीज, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोला गया है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 2 to the power n होता है। n क्या होता है, क्या होता है भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है। इतनी बात आपके दिमाग में बैठी हुई है पहले से, ठीक है। इतनी बातें समझने कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का है सबसेट, क्या रिलेशन। उल्टा समझा जाए तो ए क्रॉस बी के सबसेट को ही क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेशन। तो थोड़ा ध्यान से सोचिए, तो इसमें नंबर ऑफ
एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, अब मैंने लेट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज क्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा पी क्यू। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मैंने क्या मान लिया, पी क्यू। इतनी बातें समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको भाई, विथ रीजन आपको बता दिया भाई, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है पहले से। अब नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा ये किसके इक्वल होगा भाई, नंबर ऑफ सबसेट के, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सबसेट के। अब नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट किस पर डिपेंड कर रहा है, कार्डिनल नंबर पर। इस सेट में कार्डिनल नंबर कितना हो गया, पी क्यू, तो नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 to the power PQ। देखिए सब एक दूसरे से लिंक्ड था, समझने में कोई भी परेशानी हो कमेंट करके जरूर पूछिए हमसे आप, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए। देखिए कितना इजीली हमने निकाल लिया नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलेगा। अब अगर नंबर ऑफ रिलेशन निकालना आप सीख गए हो कि नंबर ऑफ रिलेशन ये होता है, तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे लेके चलते हैं। आगे लेके चलते हुए कहां तक पहुंचेंगे, अब हम लोग को रिलेशन एंड फंक्शन का हम लोग को जानना है कि डोमेन और रेंज क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन का। क्या जानना है, डोमेन और रेंज ऑफ द रिलेशन एंड फंक्शंस। तो डोमेन और रेंज किस बला का नाम है समझा जाए भाई पहले, चलिए सबसे पहले नाम पढ़ा जाए। नाम लिखा गया डोमेन और दूसरा नाम रखा गया क्या, रेंज। डोमेन एंड रेंज, डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स और रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई मोटी मोटा आपको मैं बता रहा हूं, वैल्यूज ऑफ वाई, यहां पे वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। बाकी जो लिटरल डेफिनेशन है वो बुक में आप पढ़ के देख सकते हैं, उसमें कोई इशू आपको नहीं होनी चाहिए। लिटरल डेफिनेशन हमसे आप सुनने नहीं आए हुए, हमको भी पता है आपको भी पता है, ठीक है। लिटरल डेफिनेशन समझेंगे तो ना तो समझ में आने का रहा और उतना बढ़िया सा याद करने से भी रहे आप, याद भी नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास है डोमेन एंड रेंज, डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स हो गई, रेंज वैल्यूज ऑफ क्या हो गई, वाई हो गई। वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, डोमेन, वैल्यूज ऑफ वाई क्या है, रेंज है। इसका मतलब जो कार्टेशियन सिस्टम में जब हमने नंबर को लिखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिखा था, तो उसमें एक्स कॉमा वाई तो पहला वाला डोमेन हुआ, दूसरा वाला क्या हो गया मेरा, रेंज हो गया। एरो डायग्राम में अगर देखा जाए तो एरो डायग्राम में पहला सर्किल जो बन रहा है वो क्या है मेरा, डोमेन है, और जो दूसरा सर्किल बन रहा है वो क्या मेरा है, रेंज है। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जो मैंने अभी पिछले बनाया था 1 2 3 4 5, ये मैंने बनाया था पिछला वाला एरो डायग्राम, देखिए आप, तो एरो डायग्राम ये था। तो इसके बेसिस पर अगर मैंने इसका डोमेन पूछा तो आप डोमेन फटाक से बताएंगे वो कितना, 1 2 3, और रेंज बताएंगे वो कितना, 4 5। ये हो गया इसका डोमेन और रेंज। अगर ये ए क्रॉस बी निकाले तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने B क्रॉस A निकाल दिया तब देखिए एरो डायग्राम कैसे बनेगा, 4 5 1 2 3। अब देखिए B क्रॉस A बनाया तो B पहले A बाद में, भाई आपको बताया जा चुका है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि जो पहले लिखा रहेगा उसको पहले दूसरे बाद दूसरा वाला लिखते हैं। इसका अगर किसी ने डोमेन पूछा तो डोमेन देखिए कितना हो जाएगा इसका, 4 5, और रेंज कितना हो जाएगा इसका, 1 2 and 3। ये हो गया डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। इतनी बातें आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, ताकि आपके के प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर सके, ठीक है। तो डोमेन और रेंज और रिलेशन के बारे में अगर आप इतनी चीजें समझ गए हो कि क्या क्या चीजें बनती हैं, तो इस पे जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं उस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप खाली रिलेशन का आज इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था, आज हमने देखा रिलेशन कितने टाइप से होते हैं, उसके नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, डोमेन और रेंज देखा, ठीक है। इस वीडियो पर आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।